रांची में दिखने लगा बंद का असर, सड़क पर उतरे आदिवासी संगठन के लोग। राजधानी रांची में बंद का असर दिखने लगा है। आदिवासी संगठनों के लोग रांची की सड़कों पर उतरकर बंद कराने में जुट गए हैं। राजधानी रांची के बाईपास रोड डीपीएस के पास सड़क को पूरी तरह ब्लॉक भी कर दिया गया है। विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग सड़क पर उतर गए हैं, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची के बुटी मोड़ चौक पर बंद का जो असर है वह नहीं दिख रहा है, स्थिति समान है वहां पर और वहां वाहनों का परिचालन जारी है। रांची के बिरसा चौक पर बंद समर्थकों ने रोड को जाम कर दिया है। बिरसा चौक को चारों तरफ ब्लॉक कर दिया गया है। स्कूल कॉलेज के बसें भी प्रभावित है। बाईपास रोड डीपीएस के पास सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया है। इधर जो है आदिवासी महासभा की कोर कमेटी की बैठक जो है केंद्रीय धमकुड़िया भवन करमटोली चौक में हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए आदिवासी महासभा के अध्यक्ष नारायण उराव ने कहा कि लोअर करमटोली में सरना झंडा जलाए जाने के विरोध में महासभा 8 अप्रैल यानी कि आज जो है रांची बंद का समर्थन करेगा। रांची बंद को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। इसे देखते हुए शहर भर में 1500 पुलिस कर्मियों को तैनात भी किया गया है। इनमें रैपिड एक्शन पुलिस QRT, इको और जिला पुलिस हथियार और लाठी पार्टी को भी लगाया गया है। आप सबको बता दूं कि राजधानी रांची के कई इलाकों में आज जो है धारा 144 लागू कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से ही धारा 144 लागू है, जो कि रात 11:30 बजे तक लागू रहेगी। इधर जो है रांची बंद के आह्वान को देखते हुए निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। उपायुक्त और SSP ने संयुक्त आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि सीएम आवास और सचिवालय के 200 मीटर की परिधि में जुलूस, रैली, प्रदर्शन और घेराव नहीं किया जा सकता है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा सुबह 8 बजे से रात 11:30 बजे तक लागू रहेगी।